हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल बायो एजुकेटर्स आज हम बात करेंगे नीट 2020 के बायो के पेपर के सॉल्यूशंस के बारे में और देखते हैं किसका क्या क्या स्कोर्स रहता है तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस इसका राइट right आंसर है कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया बेसिकली डायबिटीज मेलाइटस में जो बॉडी है वो हाइपरग्लाइसीमिक हो जाती है मीन्स जो ग्लूकोज है वो यूरिन्स में लॉस होने लगता है इस कंडीशन को हम ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं साथ साथ जो बॉडी के सेल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ना लेकर के फैट और प्रोटीन्स को डिग्रेड करते हैं एनर्जी के लिए और जब फैट डिग्रेड्स होते हैं तो बॉडी में कीटोन बॉडीज जो हैं वो यूरिन में आ, पास आउट होती हैं प्रेजेंट रहती हैं दैट कंडीशन इज नोन एज द कीटोन so the a option is the right option second question placenta placenta secretes several hormones in which uh, one hormone is the scg human chorionic gonadotropin so a ka right option hoga 2 Jonah pellucida is a layer of the ovum bulbourethral glands helps also helps in the lubrication of the penis and the lytic cells सीक्रेट्स एंड्रोजन तो इसका आंसर जो है बी इज द राइट ऑप्शन सी में दिया गया है पहला है बीटी कॉटन तो हम इसको देख लेंगे बीटी मींस होता है बेसिलस थ्रीचेनेसिस तो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है और ए का सी uh, ऑप्शन में जो ए है वो फोर्थ दे रखा है तो वो सही होना चाहिए लेकिन जो बीटी टी कॉटन है बेसिकली वाट्स द बी कॉटन तो बेसिलस थ्रीजेनेसिस एक बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया बीटी टॉक्सिन जीन को सिक्रीट करता है बीटी टॉक्सिन को सिक्रीट करता है जो कि बीटी कॉटन में प्रेजेंट रहता है और जब कोई इंसेक्ट इसको अफेक्ट करता है यानी इट हैज़ अ रेजिस्टेंट टूवॉर्ड्स द इंसेक्ट एंड वर्क्स एज अ इंसेक्टिसाइड और ये एक तरीके की बायोपेस्टिसाइड स्पीशीज़ है बीटी कॉटन तो इसका आंसर क्या होगा सी राइट right रहेगा और बाकी की चीज़ें हम देख लेंगे एडिसिनो एडिनोसिन डी डेफिशिएंसी ये जो है पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी थी जो चार साल की लड़की में जो कि एडिनोसिन डी डेफिशिएंसी से सफ़र कर रही थी तो उसको जीन थेरेपी दी गई थी तो बी का पहला ऑप्शन होगा तो देख सकते हैं ए में सी का जो ए है वो फोर है सी का जो बी है वो वन है सी का जो सी है वो टू है सी का जो डी है वो थ्री है तो इसका राइट right ऑप्शन क्या है सी द सिक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डी एन ए इन द वैक्टर इज इट्स दाई साइड फुल फॉर्म ऑफ द ओराई इज द ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन ओराई साइड का एक काम है इट इनिशिएट इट स्टार्ट द रिप्लीकेशन बट अलोंग दिस एक काम और ये करता है दैट इज द कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डी एन ए सो द आंसर डीज द राइट वन फिफ्थ है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है कहा गया है सिक्स टू फिफ्टीन पेयर्स ऑफ गिल्सलेट्स तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द साइक्लोस्टोम साइक्लोस्टोम्स आर द इग्नेथा मीन्स इनमें जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं सो इनका जो आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर होता है दैट इज़ दिक्स फिफ्टीन पेयर सिक्स टू फिफ्टीन पेयर्स ऑफ गिल्सलेट्स तो ये सही रहेगा हेट्रोसर्कल कॉडलफिन ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉन्ड्रिक थीस बेसिकली जो कॉन्ड्रिक्थीज हैं दीज आर द काटिलेजिनस फिशेज और इनका जो कॉडल फिन होता है यानी इनकी जो एक तरह की टेल टाइप की जो रहती है फिशेज़ में आपने देखा होगा इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है तो ये जो है ये दोनों क्या है अन एकवल है सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कॉन्ड्रिक थीस एयर ब्लैडर एयर ब्लैडर्स आर फाउंड इन द ऑस्टिक थीज ये क्या है ये आपकी बोनी फिशेज हैं और ये जो बोनी फिशेज हैं ये वाटर में बेउन्सी को मेंटेन करने के लिए दीज एयर ब्लैडर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो इट इज़ कनेक्टेड विद द इट इज़ रिलेटेड टू द एयर ब्लैडर इज रिलेटेड टू द ऑस्टिक थीज एंड पॉइजन स्टिंग्स आर फाउंड इन द ट्राइगोन तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन नेक्स्ट

एट जिसमें एट ब्लास्टोमियर्स फॉर्म हो हो चुके होते हैं उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है इन टू द फैलोपियन ट्यूब थ्रू द टेक्निक जिफ्ट और इन आई यू टी द मोर देन एम्ब्रियोज विद मोर देन एट ब्लास्टोमियर्स आर ट्रांसफर्ड इन टू द यूट्रस देखिए साइट इज डिफरेंट इन द साइट इन जिफ्ट एम्ब्रे इज़ ट्रांसफर इन टू द फैलोपियन ट्यूब एंड इन केस ऑफ आई यू टी इट इज ट्रांसफर्ड इन टू द यूट्रस तो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं द सी आंसर इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट सेवन सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर्ड ड्यूरिंग इंस्परेशन ठीक है इंस्परेशन के दौरान मी सांस लेना एक तरीके से जब हम सांस अंदर जाती है तो किस तरीके की बॉडी जो है वो फंक्शनिंग करती है तो उसमें आपका पहला जो आएगा दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम जो मस्कुलर जो एक डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स आकर वो भी होगा जब दोनों चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा जो रिब्स हैं वो उठ जाएंगे रिब्स और स्टर्नम उठ जाएंगे तो जो थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है दैट विल गेट इंक्रीजेस और वॉल्यूम और प्रेशर में इन्वर्सली प्रपोर्शनल होते हैं यानी अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा और प्रेशर प्रेशर uh, बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा तो थोरेसिक कैिटी के अंदर ड्यूरिंग इंस्परेशन क्या हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा और जो हमारे बाहर की जो एयर है जो पार्शल प्रेशर ऑफ द एयर है आउटसाइड द बॉडी दैट इज़ द ग्रेटर जो इन्वायरमेंट में सो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हायर पार्शल प्रेशर टू द लोअर दैट्स द इंस्परेशन अकर तो यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री हो रही हैं कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द डाइफ्राम एंड द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स पलमोनरी वॉल्यूम क्या है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है वो बढ़ रहा है और इंट्रा पलमोनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज नहीं होकर के कम हो रहा है तो राइट right आंसर हमारा क्या होगा दैट इज द सी यानी ए एंड डी फिर आठवा क्वेश्चन है द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ईसी रिप्रेजेंट तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है इट रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द नेक्स्ट नाइन द एन्जाइम एंडीरियोकाइनिज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ देखिए एंजाइम एंटीरोकाइनेस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कन्वर्ट द इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन विच इज प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस इन टू एक्टिव ट्रिस्पिन राइट आंसर इज डी टेन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो हमें पता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एराइजिस फ्रॉम डिडनप नो

बल्कि जो म्यूकोसा है म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री के तो हम देख रहे हैं बी सी डी ऑल आर द रोंग ऑप्शन ए ऑप्शन इज राइट इलियम इज़ अ हाईली कॉइल्ड पार्ट सो टेक द वन इलेवेंथ क्वेश्चन है रे फ्लोरेट्स हैव इट हैज अ इंफीरियर ओवरी जो रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर हैज अ इन्फीरियर ओवरी इन्फीरियर ओवरी का मतलब जितने भी जो इनके पार्ट्स ऑफ फ्लावर होंगे दे अराइज अबव द ओवरी दैट्स वाई दे हैव अ इन्फीरियर ओवरी नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इन टू एन एरोबिक स्लस डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट राइट आंसर इज एक्टिवेटेड स्लस जो एक्टिवेटेड स्लस जो होता है इज पम्प इंटू लार्ज टैंक जो एनअरोबिक स्ल्स डाइजेस्टर के उसमें इसको रख दिया जाता है जिससे यहाँ पे दूसरी तरीके के बैक्टीरियाज़ जो हैं अनएरोबिकली ग्रो करेंगे और डाइजेस्ट करेंगे फंजाई को और बैक्टीरिया को स्लस के नेक्स्ट थर्टीन द नंबर ऑफ सबस्टेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिलिस्ट बहुत क्लियर है इसमें यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आंसर डी इज़ द राइट वन एक्सप्लेनेशन है उसका क्रेप साइकिल और विच इज ऑल्सो नोन एज द सिट्रिक एसिड साइकिल में जो सक्सीनल को एंजाइम है वेन बाय द हेल्प ऑफ द सक्सीनल को एंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम से जब वो सक्सीनेट में कन्वर्ट होता है तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है एक ए फॉर्म होगा प्लांट्स में और जी टी एनिमल्स में फॉर्म होगा बाई सब्स्टेट लेवल फॉस्फोराइजेशन तो आंसर विल बी दन यानी कि थर्टीन का डी फोर्टीन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जीवन फेज गैप वन ऑफ इंटरफेज तो हमें पता है जीवन फेज में यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूक्लियर डिवीजन जीवन फेज में नहीं होता ये एम फेज में होगा और यहाँ पे जो बेसिकली है डीएनए सिंथेसिस और रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस इट आल्सो डज नॉट अकर इन द जीवन फेज इट अकर इन द एस फेज तो जो हमारा आंसर है इज़ द राइट सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव ग्रोज बट डज नॉट रिप्लीकेट इट्स डी एन एनि जीवन फेज में सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं उनमें ग्रोथ होती रहती है लेकिन उनमें रिप्लीकेशन नहीं होता रिप्लीकेशन अकर्स इन फेज। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जाता है कि इन बीच फेज रिप्लीकेशन अकर्स तो डी एन ए रिप्लीकेशन अकर्स इन फेज फिफ्टीन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलर एलगी तो यूनिसेलर एल में आपको पता है कि यहाँ पे जो यूनिसेलर एलगी ये आपकी एन सी आर टी इलेवेंथ की बुक में बिल्कुल यही लाइन दे रखी है क्लोरेला एंड द स्प्रिलाना इज द यूनिसेलर ऑर्गन एलगी सॉरी नॉट ऑर्गेन इट्स अ एलगी है इट इज अ पेयर ऑफ द एलगी और इट हैज़ अ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मीन्स दे यूज एज अ फूड सप्लीमेंट बाय द स्पेस ट्रेवलर्स और द एस्ट्रोनॉट्स इट ड्यूरिंग द स्पेस ट्रैवलिंग सो नाउ द नेक्स्ट सिक्सटीन आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी तो पहला है इसमें फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर इट इज़ एन एग्जाम्पल फॉर पैसिव इम्यूनिटी हमें बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है तो ये बात सही है कि जो फीटस जो मदर से जो एंटीबॉडीज़ रिसीव करते हैं दिस इज़ द पैसिव इम्यूनिटी यानी ग्रेजुअली स्लोली ये मदर से लेते हैं नॉट टेकिंग एक्टिवली वेन एक्सपोज टू एंटीजन अगर कोई भी एक्सपोज हो रहा है एंटीजन को तो एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूसड इन द होस्ट बॉडी इट इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी इट इज़ ऑल्सो राइट आंसर वेन रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आर डायरेक्टली गिविन इट इज़ कॉल्ड पैसिव ये भी सही है तो गलत जो है वो हमारा ए ऑप्शन है जिसमें कह रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स होता क्या है एक्टिव इम्यूनिटी इज़ जस्ट अपोजिट एक्टिव इम्यूनिटी स्लो एंड गिव्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स इट्स अ टाइम टेकिंग मतलब थोड़ा सा स्लो है एंड टेक सम टाइम जो कि यहाँ पर बिल्कुल जस्ट अपोजिट दिया है नेक्स्ट सेवेंटीन मैच द फॉलोइंग कॉलम्स फिर फ्लोटिंग रिप्स जैसे ही फ्लोटिंग रिप्स का नाम आता है तो हमें समझ में आ जाता है कि आपको पता है ह्यूमन बींग्स में देर आर द ट्वेल्व पेयर्स ऑफ द रिप्स आर प्रेजेंट जिनमें से जो होते हैं टेंथ तो हमारे जो होते हैं वो स्टर्नम से अटैच्ड होते हैं लेकिन जो लास्ट टू पेयर्स होते हैं इलेवेंथ और ट्वेल्थ जो रहते हैं दीज आर नॉट कनेक्टेड टू द स्टर्नम सो दीज आर कंसिडर्ड एज द फ्लोटिंग रिप्स तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो हमारा फोर्थ सही रहेगा और बी में हम देख रहे हैं एक का फोर्थ ऑप्शन है एक््रोमियन इज़ अ पार्ट ऑफ द स्कैपुला और स्कैपुला की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं और ग्लिनॉइड कैविटी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्कैपुला तो ग्लिनोइड कैविटी क्या है इट इज़ अ कैविटी वेयर द हेड ऑफ ह्यूमरस विल गेट आर्टिकुलेट एंड मेक अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन तो डी का टू और ए का फोर तो देखते हैं किसमें हैं बी में हमको ऐसा दिख रहा है और एक्रोमियन के लिए और स्कैपुला के लिए क्या कह रहे हैं तो स्कैपुला की अगर हम लोकेशन जाने तो बेसिकली इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द सेकेंड एंड द सेवेंथ रिब्स तो सी का वन हो जाएगा और एक्रोमियन को हम मिला लेंगे कि इट इज़ अ क्लैविकल एक्चुअली एक्रोमियन से जो इसका प्रोसेस है क्लैविकल विल गेट आर्टिकुलेट जिसको हम बोलते हैं क्लैविकल को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं एटीन है आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिक अमीनो एसिड्स की तो उसमें अगर हम देखते हैं तो हमें पता होता है कि जो बेसिक अमीनो एसिड है तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट uh, बताती हूँ कि अमीनो एसिड्स के याद करने के लिए एक शॉर्टकट uh, है दैट इज अ हल ये जो जितनी ट्वेंटी अमीनो एसिड्स हैं आउट ऑफ ट्वेंटी अमीनो एसिड्स ओनली थ्री आर द बेसिक अमीनो एसिड हिस्टीडी आर्जिनिन आर जी नीम एंड लाइसिन तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन जो है आपको दे रखा है दैट इज द लाइसिन तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि जो लाइसिन है दैट इज़ अ बेसिक अमीनो एसिड नेक्स्ट नाइनटीन द प्लान पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ टू जेनरेशंस वन विद इन द अदर राइट आंसर इज ए ए एंड डी हम देख सकते हैं यहाँ पे जो एंथर है एंथर्स कीप्स द पॉलिंग्रीन इनसाइड इट एंड सेम इन ओव्यूल कीप्स द एम्ब्रियो सैक इनसाइड इट सो यहाँ पे दिख रहा है कि द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन दोनों में हमें दिख रहा है एक एक जनरेशन है विद इन द अनदर सो आंसर बी इज द राइट नेक्स्ट आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पहला स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं हायर यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है हायर हाइड्रोजन आयन कंसन्ट्रेशन इन एल्वलाइफ फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन इट इज जस्ट अपोजिट लोअर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेस इन एल्विलाइफ फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन सो दिस इज द रोंग आंसर ट्वेंटी मैथ द फॉलोइ अगेन ऑर्गन ऑफ कॉटाई कॉकलिया यू स्टेशन ट्यूब एंड स्टिपीज यू ऑल आर दार्ट ऑफ द्रक्चर इंटरनल ईयर स्ट्रक्चर है यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉकलिया वी आर वेरी फैमिलियर इट्स अ क्वाल पार्ट ऑफ द लेबरेंथ तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो बी है बी का टू है तो हमें दो में ही ऑप्शन दिख रहा है ए और बी दोनों में ही हमको दिख रहा है तो हमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा ये

तो किस में हमको दिख रहा है सी का वन ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका राइट right है यानी कि ट्वेंटी वन का ए ऑप्शन जो है वो राइट right है नेक्स्ट ट्वेंटी टू नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द इल्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो इंटरनोडल नोडल रीज़न होता है शुगर केन में हमने देखा है कि जो एडेबल पार्ट होता है दैट इज़ द इंटर नोडल रीज़न यानी दो नोट्स के बीच का जो रीज़न है अगर वो इंक्रीज़ करेगा तो हमारे जो स्टेम की लेंथ है वो इंक्रीज करेगी तो ये जो फंक्शन होता है दैट इज़ रेगुलेटेड बाय द जिब्रेन हारमोन्स और ये इंटर नोडल इलांगेशन इज द अकर बाय द जिब्रोलिन हारमोन्स तो हमारा जो आंसर है वो डी सही है द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर किसी भी स्टेम के जो बेस से निकलती हैं दीज आर कंसिडर्ड एज द फाइब्रस रूट ट्वेंटी थ्री का सी ऑप्शन राइट ट्वेंटी फोर इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लाइव फॉर फ्यू डेज बिकॉज क्योंकि जो uh, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं बी सी डी हमारा ऑप्शन ए ही राइट right है क्योंकि जो नर्वस सिस्टम जो मेन नर्वस सिस्टम है ऑफ़ द कॉकरोच इट डज नॉट लाई इन इट्स हेड उसके हेड में ना हो के उसका जो बॉडी का पार्ट है उसमें सिचुएटेड रहता है दैट्स वाई इट मे लिव फॉर फ्यू डेज आफ्टर रिमूविंग हिज हेड यानी उसके हेड को हटाने के बाद भी रहते हैं क्योंकि उसके जो बॉडी में जो मेन नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो हेड uh, में ना रह करके रेस्ट ऑफ द बॉडी में पाए जाते हैं ट्वेंटी फिफ्थ है स्ट्रॉबिलाई और कोन्स आर फाउंड इन स्ट्रॉबिलाई और कॉन्स आर फाउंड इन इक्विसिटम। इसका आंसर पच्चीस का बी सही है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग डिप्लोटीन डिजोल्यूशन जो होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिप्लोटीन फेज के जो प्रोफेस का डिप्लोटीन फेज होता है उसमें होता है नाउ ट्वेंटी सेवन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हर साल एक पूछा जाता है कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा निमोनिया वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है टाइफाइड का पता है हमें कि इट्स अल्मोनेला टाइफाइव फाइलेरसिस वोचेरिया वैंक्रॉफ्टी फ्रॉम द प्लाज्मोडियम निमोनिया इज यूजली वी नो इट्स अकर फ्रॉम द स्टेप्टोकोकस निमोनाई एंड ऑल्सो फ्रॉम द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी तो यहाँ पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी दे रखा है तो हमारा आंसर जो है वो डी सही होगा ट्वेंटी एट द फर्स्ट फेज़ ऑफ द ट्रांसलेशन जब भी ट्रांसलेशन जो है इसका जो स्टार्ट होता है फर्स्ट फेज इज द एक्टिवेशन ऑफ द अमीनो एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द ए टी पी और वी कैन से एक्टिवेशन और मेक इट चार्ज सो द आंसर इज द एमाइलो एसाइटिलेशन ऑफ द टी आर एन ए तो यानी एमाइलो एसाइलेशन ऑफ द टी आर एन ए इज़ द राइट आंसर ट्वेंटी नाइन क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलियम यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज दे रखे हैं और उनके प्रोडक्ट्स को हम समझ रहे हैं तो उसमें जो क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलियम है इसका जो है दैट सीक्रेट द ब्यूटैरिक एसिड ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन, मोनास्कस परप्यूरेस जो है इट इज द फैक्टर विच हेल्प्स इन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट एंड एस्परजिलस नाइगर नाइगा सिट्रिक एसिड तो क्वेश्चन जो डी है वो इसका राइट आंसर रहेगा द ऑक्सीजिनेशन एक्टिविटीज़ ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जैसे दे रखा है यहाँ पे बी ऑप्शन आपको थोड़ा सही लग रहा होगा लेकिन बी ऑप्शन इज़ नॉट ए राइट क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो थ्री कार्बन कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बनता है और एक मॉलिक्यूल टू कार्बन कंपाउंड का बनता है थ्री कार्बन कंपाउंड का फॉसफो एसिड एंड टू कार्बन फॉस्फो ग्लाइकोलेट बनेगा तो हमारा आंसर डी सही रहेगा थर्टी वन मैज द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शन इन प्लांट्स जितने भी जो हमारे माइक्रो एलिमेंट्स हैं उनकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो आयरन अगर थोड़ा सा देख के आप लोग को समझ में आ रहा हो तो समझ सकते हैं कि आयरन जो है वो रिक्वायर्ड रहता है फॉर द क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस के लिए और जो जिंक है जिंक का जो रोल रहता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द जो ऑक्सीज के अलग सब्जेक्ट हैं उनमें से आपका रहेगा आई ए की बायोसिंथेसिस के लिए जिंक आर रिक्वायर्ड एंड बोरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो बोरॉन रहेगा वो आपका यूटिलाइज होता है फॉर द पोलन जर्मिनेशन एंड द मैंगनीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोलिसिस ऑफ द वाटर तो आंसर इज द राइट ऑप्शन थर्टी टू यहाँ पे पूछ रहे हैं एंजाइम का नाम पूछ रहे हैं विच फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डी एन ए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन तो ट्रांसक्रिप्शन में जो हेलिक्स की ओपनिंग के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है डोंट गेट कन्फ्यूज इट्स अ डी एन ए पॉलिमरेज राइट आंसर इज आर एन ए पॉलिमरेज थर्टी थ्री यहाँ पे हम बात करेंगे एस एल मिलर ने जो अमीनो एसिड बनाया था क्लोज फ्लास्क में तो उसने क्या क्या मिक्स किया था उस एक्सपेरिमेंट में उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे तो उसने मिक्स किया था अमो मीथेन और वाटर वेपर्स थे हाइड्रोजन था और साथ साथ था अमोनिया जो कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे थे तो यहाँ पे टेम्परेचर को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है दो जगह कंटेंट जो ए और सी एक जैसे लग रहे हैं लेकिन जो टेम्परेचर है राइट टेम्परेचर इज़ 800 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे उन्होंने प्रूव किया था कि जो लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स थर्टी में गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री केनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम तो आंसर इसका रहेगा कॉलमनर एपिथिलियल सेल्स क्यूबॉइडल एपिथिलियम देखिए अनदर क्वेश्चन आया है आपका टिश्यू से जो है आपका क्यूबॉइडल एपिथिलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई तो ये माइक्रोविलाई किसमें मिलेंगे ये प्रॉक्सिमल कॉन्वेलेटेड टिब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में मिलेंगे और इसका आंसर है ए थर्टी सिक्स है इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्यूनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम तो यहाँ पे हम फोटो सिस्टम जो है हमारा फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट है पी एस टू टू साइटोक्रोम बी सिक्स एफ कॉम्प्लेक्स पे करेंगे ना कि कोई अदर है तो हमें ध्यान रखना है जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉसोराइजेशन है उसमें प्लास्टोक्यूनोन ऑप्टेन फ्रॉम पी एस टू ट्रांसफ़र टू साइटोक्रोम बी सिक्स एफ कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देखिए बहुत ही ये है ये जब हम एन सी आर टी बुक में अगर हम देखेंगे तो जहाँ पे पैकेजिंग ऑफ डी एन ए को है वहाँ से बिल्कुल ये एग्जैक्टली exactly वहीं से ये उठाया गया है ये क्वेश्चन तो इसका आंसर देखेंगे इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स इज जीरो पॉइंट थ्री नोमीटर एंड द टोटल मैम नंबर ऑफ़ बेस पेयर्स ऑफ आ डीएनए हेलिक्स इन अ टिपिकल मेमेलियन सेल इज़ सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर नाइन बेसपेयर यानी बता दिया गया है कि दो जो कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद जो बेस पेयर्स हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है और जो हेलिक्स है उनके बीच में यानी जो हमारा डबल हेलिक्स है उसमें कितने बेसपेयर्स हैं तो हमें कैसे लेंथ मिलेगी अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे वी विल गेट द यानी कि नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो हैं उनको मल्टीप्लाइड बाय द टोटल जो हमारे जो डिस्टेंस जो टिपिकल मेमिल में जितने बेस पेयर्स हैं अगर उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा बट विल हैव टू चेंज बिफोर दैट विल हैव टू चेंज दिस नैनोमीटर इनटू द मीटर तो ज़ीरो पॉइंट थ्री फोर नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 0.34 पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन मीटर तो जब हमें ये लेंथ मिल जाएगी तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे द दिस ये जो हमारा क्या है सॉरी यहाँ पे स्लाइड थोड़ा सा स्लिप हो गई है हाथ से hmm. तो यहाँ पे जो है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो इसको मल्टीप्लाई किया सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर नाइन बेस पेयर इंटू जीरो पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन मीटर पर बेस पेयर तो हमारा आंसर आ जाएगा टू पॉइंट टू मीटर तो ये यह आंसर यहाँ पे टिक है Next, which of the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cell, glyco-glyco means it is a glyco, Golgi bodies are responsible. Uh, yeah, it's an important site for the formation of this. प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स तो हमारा आंसर ए राइट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट यहाँ पे दे रखा है द फंक्शनल इंसुलिनज ए एंड बी चेंस लिंक टूगेदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड नो दे आर लिंक्ड बाय द सल्फाइड डाई सल्फाइड बॉन्ड सो इट दिस इज द रोंग आंसर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट सैप वुट इज़ द इनर मोस्ट सेकेंडरी जायलम एंड इज लाइटर इन कलर no it is not the innermost uh, secondary xylem it is the outer secondary xylem and darker in color कलर तो पहला ही option गलत हो जाएगा तो right answer is the a फ्लोरिडियन स्टार्च हैज़ इस्ट्रक्चर सिमिलर ये भी इलेवेंथ में जब हम एल की बात करते हैं तो उसमें पूरा एक चार्ट बना हुआ है उसको अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे ये आंसर हमको दे रखे हैं डिफरेंट स्टार्च के फूड uh, के फॉर्म्स दे रखे हैं तो जिसमें से फ्लोरेडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर जो है दैट इज रिजाम्बलिंग टू द एमाइलोपैक्टिन एंड द ग्लाइकोजन विच इज़ फाउंड इन द रेड एलगी एंड इट इज़ सिमिलर टू द एमाइलोपैक्टिन एंड द ग्लाइकोजन 42 टू जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन डायकाइनेसिस तो हमें देखना है कि इन स्टेजेस में बेसिकली हो क्या रहा है तो अगर हम सीक्वेंस देखते हैं तो हमें पता है लैप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस दैट इज द सीक्वेंस ऑफ द देट अकर इन द प्रोफेज वन में जो डिफरेंट स्टेजस हैं तो बेसिकली जाइोटीन में वॉट विल हैपन सीनाप्सिस अकर इन द जैगोटीन पैकेटीन में जो होता है वो क्या होगा वहाँ पे इन क्रॉसिंग ओवर आकर एंड इन डिप्लोटीन इट्स अ काइज्मेट फॉर्मेशन एंड डाइकाइनेसिस इज द टर्मिलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है इसको हर समय के लिए भी हम याद रखेंगे तो हमें रहेगा जाइगोटीन में सिनाप्सिस होगा सिनेप्सिस के बाद जो होगा सिनेप्सिस में होमोलोगस क्रोमोजोम प्लेस इन द दाइगोटीन स्टेज में होगा और इसका जो आंसर है दैट इज द डी फोर्टी टू का डी आंसर करेक्ट है फोर्टी थ्री में अब यहाँ पे हमारे जो सेल्स हैं बॉडी में जो हमारे उनके बारे में हम बात करें स्नोफिल्स बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स एंड द लिम्फोसाइट्स। तो स्नोफिल्स जो होती हैं दिस रिलीज हिस्टामिनेजिस यानी कि ये हिस्टामिनेजिस या और द डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स को रिलीज करती है और ड्यूरिंग टाइप वन हाइपर सेंसिटिव और एलर्जिक रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन में हम देखते हैं स्नोफिल्स का काउंट बढ़ा हुआ मिलता है और बेसोफिल्स में इट इज अ कंटेनर लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं तो बेसोफिल्स क्या है रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन इसमें क्या है ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट uh, है वो ग्रेन्यूल्स रिलीज कर रही है जिसके अंदर हिस्टामिन प्रेजेंट है और न्यूट्रोफिल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैगोसाइटोसिस ये क्या करेंगे जितनी सेल्स हैं उनकी सेल ईटिंग का काम करेंगे एक तरीके का एनगल्फ फॉरेन सब्सटेंसेज जो भी बैक्टीरियाज आ रहे हैं उनको ये एनगल्फ कर लेंगे और लिम्फोसाइड्स गिव्स द इम्यून रिस्पॉन्स ये कौन है ये इम्यून रिस्पॉन्स देंगे यानी कि इनकी बॉडी पे दे हैव अ रिसेप्टर्स ऑन देयर सरफेस टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ ये एंटीबॉडीज जो भी एंटीजेंस आएंगे उनके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेंगे फोर्टी फोर में द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज़ मैक्सिमम ड्यूरिंग जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो जो उसका ग्रोथ का जो मैक्सिमम जो जिसमें ग्रोथ होती है दैट इज़ द लॉक फेज और द एक्सपोनेंशियल फेज सेनेसेंस में एजिंग है डॉर्मेंसी में भी नहीं है लॉक फेज भी एक तरीके से बिहाइंड जा रहा है यहाँ पे इतनी ग्रोथ नहीं होगी जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स जिसमें इंक्रीज करेंगी दैट इज अ ल लॉक फेज और द एक्सपोनेंशियल फेज फोर्टी फाइव का आंसर जो है वो है सी राइट होगा इसमें इनहिबिटर ऑफ कैटेलिटिक एक्टिविटी कोई भी कैटलिटिक एक्टिविटी है उसमें ये कैसे मैलोनेट तो मैलोनेट क्या कर रहा है ये सक्सीनेट की तरह इसका स्ट्रक्चर और सक्सीनेट का स्ट्रक्चर एक जैसा है दोनों एंजाइम एक जैसे हैं तो होता क्या है कि दे आर शोइंग द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ दिस एंजाइम तो एक एंजाइम है दैट इज़ अ सक्सीनेट डिहाइड्रोजीनियस तो उसके लिए मेलोनेट जो है वो एक्ट कर रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यानी वो उस पर जा करके फटाफट बाइंड होने की कोशिश कर रहा है एक तरीके का कॉम्पिटिशन रख रहा है सक्सीनेट से तो ये इनहिबिटर ऑफ कैटेलिटिक एक्टिविटी उसको रोकेगा पजिस पैप्टाइड बॉन्ड एज वी नो कोलेजन इज अ प्रोटीन तो उसमें क्या होगा एवरी प्रोटीन हैज़ अ अमीनो एसिड्स विच आर कनेक्टेड विद द पैप्टॉइड बॉन्ड्स सो द बी का राइट आंसर कोलेजन होगा यहाँ पे देखते हैं सेल वॉल मटीरियल इन फंजाई ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जब भी बात होती है तो इसकी होती है कि प्लांट सेल किसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है फंजाई की किसकी बनी होती है क्लासिफिकेशन में इसी वजह से इनको भी अलग किया गया है तो जो सेल वॉल फनजाई की बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो आपको रिसिन पता ही लग जाएगा रिशिन तो यहाँ पे आंसर जो है वो सी इज द राइट ऑप्शन है, सम डिवाइडिंग सेल्स द सेल साइकिल एंड एंटरवेजिटेटिव इन एक्टिव स्टेज दिस इज कॉल्ड क्यूसेंट स्टेज जीरो, दिस प्रोसेस अकर एट द एंड ऑफ इट अकर्स एट द एंड ऑफ द एम फेज सम सेल्स डू नॉट डिवाइड एंड दे एग्जिस्ट जीवन फेज टू एंटर एंड इनएक्टिव स्टेज इसी को हम क्यूसेंट स्टेजेस कहते हैं जी जीरो ऑफ़ द सेल साइकिल फोर्टी सेवन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस डायूरेसिस में बेसिकली डायूरेशन जो है वो यूरिन हो रहा है तो इसमें क्या होगा कि जो रीअब्जॉर्बेशन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डो हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायरेसिज तो फोर्टी सेवन का डी आंसर राइट होगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाइड वायराइड्स जब हम वायराइड्स की बात करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि वायरसिज हैव अ प्रोटीन कोड बट वायराइड्स डू नॉट हैव अ प्रोटीन कोड बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग दे ऑल्सो हैव अ फ्री आर एन ए मीन्स दे हैव अ फ्री आर एन ए विदाउट प्रोटीन कोड सो कीप इन योर माइंड तो आंसर जो है फोर्टी uh, एट का डी जो है वो राइट है एग्जाम्पल इसका है पटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय आ वायराइट फोर्टी नाइन में बात करेंगे ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हमेशा ही ये क्वेश्चन आता है ये कहीं भी किसी भी कॉम्पिटेटिव में द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज स्पोरोइट्स बस इसको आपको याद रखना है कि जो इन्फेक्शियस स्टेज है दैट इज द स्पोरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट हम जानते हैं जब एडिनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू थ्री बॉन्ड्स तो दिस इज अ रोंग एडिनिन जो है थाइमिन से जब बॉन्ड बनाती है तो इट इज अट फॉर्म्स थ्रू द टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स नॉट अ थ्री तो हमारा आंसर सी राइट होगा एडिनिन डज नॉट पेयर विथ थाइमिन इट्स अ रोंग इट पेयर्स विद द थाइमीन एडिनिन पेयर्स विद थाइमीन थ्रू वन नो

52 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो साइन इन 87 फॉर कंट्रोल ऑफ तो क्लियर है इसका राइट आंसर है इट इज़ नॉट फॉर अ ग्रीन हाउस नॉट फॉर अ ई वेस्ट नॉट फॉर अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज फ्रॉम वन कंट्री टू अनेदर जो इसका कंट्रोल था ओवर द इमिशन ऑफ ऑक्सीज ओजोन डिप्लीशन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज पे था मीन्स दिस ट्रीटी जो भी ये प्रोटोकॉल था इट इज रिलेटेड टू द ओजोन लेयर डिप्लीशन जो हो रहा था उससे जो किन मटेरियल से किन uh, कौन सी गैसेस जो हैं वो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिप्लीशन तो उनकी यहाँ पे बात की गई थी इस में 53 थ्री आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स तो सिंपल है बस यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं है बस स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइन बाय यूजिंग डीएनए एन इट इज़ रॉन्ग जो स्टिकी एंड्स हैं वो जॉइंट होंगे बाय यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो ज्वाइंट बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नॉट बाय द डी एन तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनके लिए क्या रॉन्ग है दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग गुड दे आर यूज स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइन बाय यूजिंग डीएनए एन लाइगेज तो इट इज़ ट्रू एंड स्टिकी एंड्स जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स हैं उनका वहाँ कोई रोल नहीं है तो इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ आर डीएनए सीक्वेंस इट इज़ आल्सो राइट

यानी दो इंडिविजुअल्स हैं ऑफ़ द डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए गए हैं और एक न्यू ब्रीड बनी है दिस इज डिफाइंड एज अ क्रॉस ब्रीड विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिज विच हैव इवाल्व ड्यू टू चेंजेस ऑफ एन्वायरमेंट ब्रॉड बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन एंथ्रोपोजेनिक की जहाँ पे भी बात होती है इसका मतलब होता है कि इंटरफेरेंस बाय ह्यूमन बींग्स यानी जो भी एक्शन है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन को हम समझ लेंगे डार्विन फिंचेज ऑफ गैलपैगोज आइलैंड्स। दिस वॉज नॉट अ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन बट हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स ड्रग रेजिस्टेंट कैरियर मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग दीज आर द मैन मेड एक्टिविटीज और दीज आर द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन सो ए इज द राइट नाउ फिफ्टी सिक्स डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी Oocyte is completed. It is completed at the time of fusion of a sperm with an ovum. And it provides the anaphase promoting factor that induces the completion of meiosis in the secondary oocyte. Means that time meiotic division is getting completed. यहाँ पे थोड़ा सा हम समझेंगे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है और जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इकोसिस्टम की उनके रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम नो बोथ आर नॉट सेम देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नो दे आर रिलेटेड टू इच अदर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज़ लेस देन द नेट प्राइमरी

फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस हो रहा है उस रेट को हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं एंड सम ऑर्गेनिक मैटर इज लॉस्ड बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट्स रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स जो हैं कुछ ऑर्गेनिक मैटर को लॉस भी कर देंगे तो जो बचेगा दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सो आंसर विल बी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स ए बी ओ ब्लड तो पहला ही इसका जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है वेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टूगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर नो दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग द सेम टाइप ऑफ द शुगर दे एक्सप्रेस द डिफरेंट टाइप ऑफ द शुगर दे आर ओन टाइप्स ऑफ द शुगर शोइंग द को डोमिनेंस Which of the following column and select the uh, match the following column and select the correct option तो हमें पता है कि pituitary gland जो होती है अगर हम यहाँ पे options देंगे तो हमें पता है pancreas is related to the diabetes mellitus यानी D जो है वो two से connect होगा तो हमें कई में दिख रहा है C में भी दिख रहा है A में भी दिख रहा है तो हमें एक और देख लेते हैं pituitary gland is related to the diabetes insipidus ये जब हम लोग glands पढ़ते हैं तो उसमें clear हो जाता है क एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी से रिलीज होता है और ये क्या करता है रीऑब्जॉर्बन ऑफ वाटर करता है किडनी से लेकिन अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो क्या है ये एंटी डायूरेटिक है तो उससे क्या होगा यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और दिस कंडीशन इज़ नोन एज द डायबिटीज इंसिपिटस तो यहाँ पे समझ लीजिए कि जो ए है वो हमारा थ्री से कनेक्टेड है और जो डी है वो टू से है तो अगर इनको हम देख लेंगे तो हमारा ए आंसर जो है वो राइट right है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज़ अबाउट ये आपको लर्न करना है दैट इज़ द सेवन मिलियन द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज़ फ्यूज विद द फिनिकल तो जहाँ पे ओव्यूल की बॉडी जो है वो फ्यूज़ करती है फिनिकल से दैट पॉइंट इज नोन एज द हाइलम मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ये थोड़ा सा हम समझेंगे दैट इज़ अ ग्रिगेरस ग्रिगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट यानी ये जो ग्रिगेरियस होता है यानी जो ग्रुप में पॉलीफेजि यानी डिफरेंट फेजिस पे जो पेस्ट रहता है दैट इज़ द लोकस्टा आपने टिड्डी दल सुना हुआ है दैट इज़ अ एग्जाम्पल लोकस्टा इज दिस तो वो वही चीज़ है यहाँ पे और ये जो है ग्रिगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट है तो ए का फोर्थ ऑप्शन होगा तो हमें डी दिख रहा है यहाँ पे राइट है यहाँ पे पेन uh, मार्कर नहीं लगा हुआ है तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा ये आंसर दिस वन इज़ द राइट जो इसका डी ऑप्शन है वो राइट right है यहाँ पे तो उसको हम यहाँ पे रख लेंगे और नेक्स्ट है एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेट्रल सिमेट्री दिस इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एस्टी एरियाज यानी जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं जो स्टार फिश है उसके जो एडल्ट होते हैं उनमें रेटियल सिमेट्री रहती है और जो लार्वा रहते हैं उनमें बायोलिट्रल सिमेट्री रहती है बुक्स लग आर फाउंड इन द स्कॉर्पियन और बायोलिमिस मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है दे इमिट द लाइट एंड दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टीनोफोरा तो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज़ अ टीनोप्लेना तो राइट आंसर इज डी नेक्स्ट है एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वॉज डिसअप्रूव्ड ये थोड़ा सा आप लोग को लर्न रहना चाहिए एंड दिस इज द डिसप्रूव्ड बाय द कार्ल एंड वॉन बेयर ने इसको अप्रूव किया था बेयर ने इसको अप्रूव किया था तो उसको आपको डिसप्रूव्ड किया था नेक्स्ट है मैज द ऑर्गेनिक विच इज़ यूज इन बायोटेक्नोलॉजी तो हमें पता है बेसिलेस थ्रेजेनेसिस और इसका जो प्रोड्यूसिस द प्रोटीन विच आर बीटी टॉक्सिन्स एव है इंसेक्टिसडल प्रॉपर्टीज तो जो ए का आंसर है दैट इज अप्रोटीन्स थर्मस एक्विटिकस ये बेसिकली क्या करता है कि ये हाईली थर्मोस्टेबल डीएनए एन पॉलीमरेज को फॉर्म करेगा तो इसका जो है आंसर है ये डीएनए एन से कनेक्टेड रहेगा यहाँ पे और थर्मस ये इससे है और ये थ्रीजेनिस जो है क्राई प्रोटीन्स से है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस जो है दैट इज प्लाजिट ऑफ मॉडिफाइड इंटू ये क्या करेगा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाजमिट है तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ वर्क एज अ क्लोनिंग वैक्टर कैसे वर्क करेगा क्लोनिंग वैक्टर की तरह वर्क करेगा और जो सालमोनरा टाइफी मुरियम है इट्स अ कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर डीएनए मॉलिक्यूल तो यहाँ पे जो आंसर है आपका डी आंसर जो है वो राइट right आंसर है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिबेटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीट डॉमेंसी तो क्लियर है हम जब भी जिब्रेलिक एसिड की बात करते हैं तो डॉर्मेंसी को प्रमोट नहीं करते हैं तो यहाँ पर आंसर जैसे भी बात करेंगे एप्सिसिक एसिड की बात होती है फिनोलिक एसिड पैरा कॉर्बिक एसिड की बात होती है तो ये हमें इनबिटर की तरह लगते हैं और ये जो जिब्रेलिक एसिड्स है इन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डोरमेंसी एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ जर्मिनेशन तो राइट आंसर इज द जिब्रेलिक एसिड फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन्स बॉडी इज इन करेक्ट हमें पता है कि जो साइटोप्लाज्म की जब हम बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म में दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनल्स एंड द इनक्लूजन्स तो इंक्लूजन्स जो हैं दे लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म इट इज़ राइट दिस रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म इट इज ऑल्सो राइट दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मैमब्रेन इट इज़ ऑल्सो बट

प्लम प्लम में ओवरी जो होती है वो हाफ इन्फीरियर होती है थोड़ा इसको आप लोग लेंग लर्न कर लेंगे नाउ नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग द ट्रॉफिक लेवल्स ये थोड़ा इको सिस्टम ग्रास इको सिस्टम की हम बात कर रहे हैं इजी भी क्वेश्चन है और सबको समझ में आना चाहिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर कौन आएगा फर्स्ट टॉपिक लेवल पर आपका जो है वो किसको आना चाहिए बताइए फटाफट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ग्रास आएगा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे यहाँ पे कौन आना चाहिए वल्चर आएगा सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे uh, जो है सीक्वेंस uh, में पढ़ते हैं फर्स्ट में ग्रास तो सेकंड में रैपिड थर्ड में क्रो और फोर्थ में वल्चर तो आंसर सी इज द राइट सिक्सटी नाइन द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज तो यहाँ पर देखिए फोर्थ प्रोसेस दे रखिए इम्बाइबिशन प्लाज्मोलिसिस ट्रांसपीरेशन एंड राइट आंसर इज रूट प्रेशर तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा रूट प्रेशर को समझ लेंगे कि ये पॉजिटिव प्रेशर है ये क्या करेगा जो वॉटर है स्टेम में जो वॉटर है उसको हाइट में पुशअप करेगा और ये खाली हमको दिखता है नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में जब इवेपोरेशन इज लो तो कब दिखेगा जब इवेपोरेशन इज लो तो दिस इज नोन एज द रूट प्रेशर चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग तो न्यूक्लियस सेपरेट द टू स्टैंड्स ऑफ द डीएनए नो एक्जो न्यूक्लियस में कट्स एट स्पेसिफिक पोजिशन विद डीएनए तो राइट आंसर इज लाइक ज्वाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटोमिकल फीचर्स हमें ये बताना है कि इट इज़ अ फीचर ऑफ अ डाइकॉटेलिनस स्टेम और रूट और मोनोकॉटिलस स्टेम और रूट तो सिंपल से यहाँ पर देखा है लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड देखिए स्कैटर्ड हैं वेस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय बंडल शेड तो दिस इज अ फीचर ऑफ द मोनोकॉटिलेडनस लार्ज कॉन्सपियस पैरकाइमेटर्स ग्राउंड टिश्यूज वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज दिस इज द फीचर ऑफ अ स्टेम ऑफ फ्लोएम पैरनकाइम एबसेंट तो इन सबको हम देख करके कर सकते हैं कि ऑप्शन थ्री इज द राइट द मोनोकॉट स्टेम हैज़ वेस्कुलर बंडल नियर द आउटसाइड एज ऑफ द स्टेम्स एंड दे हैव अ स्कैटर ग्राउंड टिश्यूज एंड पिथ आर नॉट प्रेजेंट इन द मोनोकॉट्स तो इन सब फीचर्स को देख the के वी कैन डिफाइन इट एज मोनोकॉटसट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज डन बासपेरिमेंटल वेरीफिकेशन डोंट गेट कंफ्यूज एंड इट वॉज गिवन बाई द मॉर्गेन बीटी कॉटन देखिए थर्ड क्वेश्चन आया बीटी कॉटन से बीटी कॉटन वेराइटी दैट वॉज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिंग जीन ऑफ बेसिलस थीजेसिस इज रजिस्टेंट टू प्लांट निमिटोर्ड्स नो इंसेक्ट पीडेटर्स नो फंगल डिजीजेज नो राइट आंसर इज द इंसेक्ट पेस्ट दैट्स वाई दे वर्क एज अ पेस्टिसाइड की तरह बायोपेस्टिसाइड की तरह ये वर्क करते हैं सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसमें कह रहे हैं इंसुलिन एक्ट एज पेनक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोसाइड्स नो इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया हमें करेक्ट uh, स्टेटमेंट को करना है ग्लूकॉन एक्ट्स मेनली जो ग्लूकॉन करेगा एक्ट करेगा ग्लूको कॉटिकॉइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस तो ग्लूको क्या कर रहे हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस लाइपोलिसिस एंड प्रोटियोलिसिस और, और इनहिबिट कर रहे हैं सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स यानी कि ये एक तरीके का ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट कर रहे हैं द स्पेसिफिक पैलेंड्रोम सिक्वेंस विच इज़ री कग्नाइज बाई ईकोराई यानी इकोलाई आर वाई से तो उसमें जो है आप देखेंगे पैलेंड्रोमिक sequence होना चाहिए जिसको हम फाइव साइड से पढ़ें फाइव टू थ्री जिनकी रीडिंग करेंगे तो एक जैसी होगी जैसे हम पढ़ेंगे जी ए ए टी टी सी और जब हम उधर से पढ़ेंगे अपोजिट पढ़ेंगे फाइव से थ्री की तरफ ही आएंगे जी ए ए टी टी सी तो ये दोनों एक जैसे हैं दैट इज़ अ पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस तो यहीं पे ये जो आपका है इकोरा इकोराइ इसको आइडेंटिफाई करेगा आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पैप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर तो जब हम बात करते हैं इनुलिन इज़ अ पॉलीसेक्राइड

नाइट्रोजिनेज एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन तो आंसर है हमारा अमोनिया एंड हाइड्रोजन नॉट अलोन अमोनिया नॉट नाइट्रेट द आंसर इज द अमोनिया एंड हाइड्रोजन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल्स तो यहाँ पे सिंपल आपको ये समझना है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो प्रोड्यूस्ड हो रहा है पिट्यूट्री ग्लैंड से ब्रेन में और ये ओव्यूलेशन और ट्रिगर्स करेगा ओव्यूलेशन को और प्रमोट करेगा डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम को बाय रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल तो ग्रेफियन फॉलिकल जो होगा वो रप्चर होगा तो अब ये कह रहे हैं कि किस तरीके से रिलीज होगा ओवलेशन होगा यानी जब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो उसमें से ओवम जो है वो रिलीज होगा डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस रिडियम बाई रपच्चर ऑफ दैट इज़ द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एनसीआरटी की बुक में देखेंगे एक पूरा चार्ट बना हुआ है विचुअल शो द वेन द हाई कंस एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने पर ओवुलेशन होगा फ्रॉम द ग्रोफियन फॉलिकल विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा कॉर्डेटा के देखिए कुछ कैरेक्ट्रिस्टिक फीचर्स होते हैं तो उसमें से जो आपका है यूरोडेटा एक्सटेंड फ्रॉम द यूरो मीस दे हैव अटोकॉड एट द टेल उनके में जो होती है टेल में रहती है प्रजेंट और नॉट थ्रू आउट द लाइफ एनी टाइम इनके में प्रजेंट रहती है वर्टिबेटा में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ज्यूरिंग द एम्ब्रियनिक पीरियड ओनली नहीं उनके में जो होते हैं होल लाइफ में uh, प्रेजेंट रहती लेटर ऑन इट विल गेट कन्वर्टेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो दिस इज़ द राइट आंसर जो कॉर्डेटा का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इट इज़ डॉर्सल एंड हॉलो कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इंटू थ्री सब फाइला हेमिकॉर्डेटा ट्यूनिकेटा एंड सिवन नो इट इज़ डिवाइडेड इंटू यूरोडेटा सिफेलोकॉडेटा और वर्टिब्रेटा तो ये भी रॉन्ग है तो राइट right आंसर जो है वो आपका हो जाएगा बी एंड सी सो यहाँ पे जो इनके जो वर्टिब्रेटा की जो नोटोकॉड होती है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट रहती है और लेटर ऑन इट विल गेट कन्वर्टेड इंटू द वर्टिब्री नोटो नोटोकॉड जो है वो वर्टिब्री में कन्वर्ट हो जाती है एंड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है सो बी एंड सी एट द राइट आंसर बायोलेट्रली सिमिट्रिकल एंड ए सिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्पलीफाइड बाय तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली है और जब पढ़ाया जाता है तो ये आप लोग को याद होना चाहिए तो इसमें सबसे पहले जो बायोलेट्रल सिमिट्री होती है इट विल स्टार्ट फ्रॉम द प्लेटी हेलमेंथीस प्लेटी हेलमेंथीस से स्टार्ट होगी बायोलेक्ट्रल सिमेट्री होगी एंड ए सिलोमेट दे आर ए सिलोमेट होते हैं जैसे हम एस के एलमेंथीज में जाएंगे तो दे आर बायोलैक्ट्रल सीमेट्रिकल बट सीडोसिलोमेट और एनालिडा से जो अपर्ड जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे आर द सीलोमेट वो सब सिलोमेट रहेंगे तो प्लेटी हेलमेंथीज दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर द प्लेटी हेलमेंथीज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एक्जिबिट हाइएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी तो यहाँ पे अमेजन फॉरेस्ट हैज़ अ हाइस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ हैं दैट आर रिप्रेजेंटेटि गिविन कम्युनिटी यानी कि जो अमेजन फॉरेस्ट है इट्स आ रिचेस्ट इको सिस्टम ऑन द अर्थ सिलेक्ट द करेक्ट मैच यहाँ पर करेक्ट मैच है सिकल सेल एनीमिया जो है इट्स अ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड क्रोमोजोम ग्यारह जैसा कि दिख रहा है इट इज़ अ राइट थैलेसीमिया यहाँ पे दे रखा है तो थैलेसीमिया जो है उसके बारे में हम बात करें उसको इन्होंने ऑटोसोमल इनहेरिटेंस कह रखा है इट इज़ नॉट अ एक्सलिंग इट इज़ अ ऑटोसोमल इनहेरिटेंस डिजीज हिमोफीलिया इज अ एक्सलिंग डिजीज एंड फिनाइल क्यूटोरिया इज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट तो दीज थ्री आर द रोंग एंड द करेक्ट मैच इज दिकल्स एल एनीमिया दैट इज द ऑटोसोम ट्रेड अकर इन द क्रोमोसोम इलेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबेंडेड प्रोटीन इन द एनिमल्स तो एनिमल्स में जो मोस्ट अबेंडेड प्रोटीन है दैट इज द कोलेजन सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है एक क्वेश्चन और ये हर जगह पूछा जाता है तो हमें पता है एड्स मलेरिया एंड फाइलेरिया दीज ऑल दीज आर नॉट द सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कैंसर एड्स एंड सिफ्लिस दीज आर नॉट द सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज बट द कोनेरिया सिफलिस एंड जेनाइटल हरप्रीज इज द राइट आंसर ह्यूमन आई एब्जॉर्ब्स कॉर्निया एबजॉर्ब्स यू वी रेडिएशन एंड अ हाई डोज ऑफ यू वी बी कॉज इन्फ्लमेशन ऑफ द कॉर्निया इससे इन्फ्लामेशन होगा कॉर्निया का एंड विच लीड्स अ स्नो ब्लाइंडनेस आई जो होती है वो पेनफुल आई कंडीशन हो जाती है ओवर एक्सपोजर ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और वी कैन सी कॉर्निया सनबर्न हो जाता है तो ये आपका राइट आंसर रहेगा दैट इज़ अ इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ द अल्ट्रा बी रेडिएशन सो so फ्रेंड्स हमने यहाँ तक आज इस पेपर को सॉल्व किया है और अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू थैंक यू